एक व्यूअर का क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट क्या है और सेड टू बी क्या है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। इट इज सेड दैट का मतलब होता है ऐसा कहा जाता है, यानी लोगों का ऐसा मानना है या लोगों का ऐसा ख्याल है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो ऐसा कहा जाता है या भूतों वाला घर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज सेड दैट दिस इज अ हॉन्टेड हाउस, यानी ऐसा कहा जाता है कि यह भूतों का घर है। ऐसा कहा जाता है कि आप एक महान उस्ताद हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज सेड दैट यू आर अ ग्रेट टीचर। ऐसा कहा जाता है कि आप एक बहुत अच्छा बावर्ची हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज सेड दैट यू आर अ गुड कुक, यानी ऐसा माना जाता है या लोगों का ऐसा मानना है कि आप एक बहुत अच्छा बावर्ची हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप बहुत कंजूस हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज सेड दैट यू आर वेरी माइजर, यानी ऐसा कहा जाता है या लोगों का ऐसा मानना है कि आप बहुत कंजूस हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आपने कहा इट इज सेड दैट, उसके बाद आपने एक फुल सेंटेंस लिखा, यानी आपने लिखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या फिर आपका सेंटेंस जैसा हो आप उसे वैसा ट्रांसलेट कर देंगे। आइए सीखे सेड टू बी क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर दो सेंटेंस देखें। इट इज सेड दैट यू आर अ गुड टीचर, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं यू आर सेड टू बी अ गुड टीचर। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक है, बस कहने का अंदाज अलग है। यानी यहाँ पर आपने पहला कंसेप्ट समझा कि इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे इट इज सेड दैट, उसके बाद आप एक फुल सेंटेंस लिखेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप इट के जगह पर लिखें सब्जेक्ट, यानी उस नाउन या प्रोनाउन को लिखें जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। उसके बाद आप लिखें हेल्पिंग वर्ब, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लिखें इज, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप लिखें आर। फिर आप लिखेंगे सेड टू बी, उसके बाद आपको लिखना होगा एक नाउन। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। यहाँ मैं आपको दोनों तरह के सेंटेंसेस को टाइप करूंगा ताकि आपको बात समझने में आसानी हो जाए। कहा जाता है कि वो एक खतरनाक आदमी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज सेड दैट ही इज अ डेंजरस मैन। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं ही इज सेड टू बी अ डेंजरस मैन। कहा जाता है कि वह एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज सेड दैट ही इज अ गुड क्रिकेटर। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं ही इज सेड टू बी अ गुड क्रिकेटर, यानी ऐसा माना जाता है या लोगों का ऐसा कहना है कि वह एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है, इनमें से जो बोलना आपको आसान लगे आप उसे यूज करेंगे। कहा जाता है कि वह एक बहुत अच्छी डांसर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज सेड दैट सी इज अ गुड डांसर। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं सी इज सेड टू बी अ गुड डांसर, यानी ऐसा माना जाता है या लोगों का ऐसा कहना है कि वह एक बहुत अच्छी डांसर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इट इज सेड दैट या सेड टू बी क्या है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।